Good morning, dear students. Today I am going to start a new lesson, A Friend in Need. A Friend in Need, the lesson is written by R.K. Narayan. R.K. Narayan, Rasipuram Krishna Swami Narayan, one of the famous writers, Indian English writers. एक महान इंग्लिश इंडियन इंग्लिश राइटर है जिन्होंने लिखा था स्वामी एंड फ्रेंड्स, वहीं से लिया गया है ये स्टोरी आर के नारायण का. ए फ्रेंड इन नीड मतलब जरूरत में जो दोस्त, उसके बारे में है. इस जो स्वामी एंड फ्रेंड्स में इसमें एक मेन कैरेक्टर है स्वामीनाथन, इसी को लेकर पूरा का पूरा कहानी बनता है. वन आफ्टरनून स्वामीनाथन स्टूड बिफोर मनीज हाउस. एक दिन शाम को स्वामीनाथन मणि के घर के बाहर खड़े रहा एंड गेव ए लो व्हिसल, और उसने लो व्हिसल, व्हिसल मतलब जो हम मुंह से सीज का आवाज निकालते हैं ना, ऐसे करके आवाज निकाला. मणि ज्वाइंड हिम, मणि तब उसके पास आया, मतलब मणि के घर के बाहर जाके स्वामी ने आवाज निकाला मुंह से, मतलब स्वामी को मणि को बुलाया. बाय गिविंग व्हिसल स्वामीनाथन कॉल्ड मणि एंड मणि केम आउट. मनी बाहर आए और उसके साथ आया. दे स्टार्टेड फॉर रजन्स हाउस. वो लोग रजन के घर की तरफ चलने लगे, स्पेक्यूलेटिंग ऑन द वे व्हाट द सरप्राइज माइट बी. वो लोग अंदाजा लगा रहे थे, स्पेक्यूलेटिंग मतलब क्या, वंडरिंग, ये सोच रहे थे कि रास्ते में क्या सरप्राइज मिलेगा, क्या होगा. आज शाम को रजन क्यों बुला रहे हैं. रजन उसका एक दोस्त है, उसके घर की तरफ ये दोनों चलने लगे. ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है विच रजम हैड सेड ही वुड गिव देम. रजम ने उन लोगों को बोला था कि वो इन लोगों को सरप्राइज देंगे इफ दे सॉ हिम दैट आफ्टरनून माइट बी, अगर वो लोग उस शाम को उसके घर आए तो उन लोगों के लिए एक सरप्राइज है. एंड दैट इज व्हाई मनी एंड स्वामीनाथन वर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस ऑफ रजम. रजम के घर की तरफ जा रहे थे और सोच रहे थे क्या सरप्राइज है. आई थिंक सेड स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ने बोला मुझे लगता है रजम इज मेयरली जोकिंग. रजम सिर्फ जोक कर रहा है, मतलब ये मजाक कर रहा है. इट इज मेयरली ए ट्रिक टू गेट अस टू हिज हाउस. मुझे लगता है कि रजम ने कोई चाल चला है, ट्रिक, ताकि हम लोगों को उसके घर में ले जाए. उसको घर में बुलाने के लिए उसका एक चाल है. He was very nearly pushed into a gutter for this doubt. ऐसे ही बोलते बोलते, मतलब ये जो संदेह कर रहे थे, he was nearly pushed. स्वामीनाथन लगभग गिर ही गए थे into a gutter. गटर मतलब एक ड्रेन होता है जहां पर कीचड़ का सब वगैरह गंदे चीज जाते हैं, वहां पर लगभग मानो गिर ही गए थे. Probably he has bought a monkey or something. स्वामीनाथन वेंचर्ड अगेन. स्वामीनाथन फिर से साहस करके, वेंचर्ड मतलब देखो, सेड इन ए केयरफुल वे, बहुत सोच के साहस करके बोला. उसको फिर से अंदाजा लगा रहा है, मुझे लगता है कि रजम ने कुछ बंदर खरीदा है या कोई दूसरा चीज खरीदा है. मनी वॉज ग्रेसियस इनफ टू एडमिट दैट इट माइट बी सो. मनी बहुत दयालु था और वो रजन के बात में मान गया, स्वामीनाथन के बात में मान गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद वही दिखाने के लिए हम लोगों को बुलाया. दे थॉट ऑफ ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स. तरह वो लोग हमेशा जितना जो पॉसिबल सब्जेक्ट्स होता है, पॉसिबिलिटी जो हो सकता है कि संभावना है कि किस कारण से बुला रहा होगा रजन, सभी के विषय में सोचा. दैट माइट सरप्राइज देम, जो उन लोगों को सरप्राइज दे रहा है. वो लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि क्यों बुला रहा है. एंड गेव अप द अटेम्प्ट इन द एंड. और अंत में ये अटेम्प्ट छोड़ दिया. ये लोग ये कोशिश कर रहे थे, कारण ढूंढने का कोशिश कर रहे थे कि वाई डिड रजम कॉल देम, रजम उन लोगों को बुलाया क्यों. ये लोग सोचते 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 थक गए. देयर थॉट्स टर्न टू देयर एनिमीज. अब ये लोगों को जो चिंता, सोचते 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 सोच चला गया उन लोगों के दुश्मन की प्रति, दुश्मन की तरफ. You know what I am going to do? Money asked. Money ने पूछा रजन से, स्वामीनाथन से जाते जाते पूछा, जानते हो मैं क्या करूंगा. I am going to break Somu's waist. मैं Somu का जो waist है, ये कमर है, वो मैं तोड़ दूंगा. ये Somu और मनी में दुश्मनी था. ये स्कूल के फ्रेंड के विषय में ये कहानी है.
तो मणि बोल रहा है स्वामीनाथन, तो मैं सोमू के कमर को तोड़ दूंगा। आई नो वेर ही लिव्स, मैं जानता हूं कि वो कहाँ रहता है। ही लिव्स इन कबीर स्ट्रीट बिहाइंड द मार्केट, वो बाजार के पीछे कबीर स्ट्रीट है, वो वहां पर रहता है। आई हैव ऑफन सीन हिम, मैं हमेशा उसको देखा है कमिंग आउट एट नाइट्स टू ए शॉप, वो वहां से निकलता है एक दुकान पे जाता है इन द मार्केट फॉर बिटल लीव्स, वो बाजार में जाता है बिटल लीव्स यानी पान, जो घर के लोग पान खाते हैं ना वो पान को बोलते हैं बिटल लीव्स। मतलब है मैं सोमू को देखा है कि बाजार जाते हुए, वो जो कबीर स्ट्रीट है वहां से निकलकर बाजार जाते हुए मैंने देखा है वो पान खरीदने जाता है। आई शैल फर्स्ट फ्लिंग ए स्टोन एट द म्यूनिसिपल लैंप, पहले मैं क्या करूंगा जानते हो, पहले मैं एक पत्थर मारूंगा जो म्यूनिसिपल लैंप है रास्ते के साइड में, जो रोड साइड में जो लैंप होता है जो रास्ते में लाइट दिखाता है, उसको मैं तोड़ दूंगा। एंड पुट इट आउट, उसको मैं बुझा दूंगा लाइट को, पुट आउट मतलब बुझा देना। यू हैव नो आइडिया हाउ डार्क कबीर स्ट्रीट इज, तुम जानते नहीं हो कि कबीर स्ट्रीट कितना अंधेरा है। आई शैल वेट विथ माई क्लब, तब अपने अपने क्लब जो मतलब मेरे पास जो लकड़ी का क्लब कुछ इस तरीके का दिखने होता है क्लब, आई एम गोइंग टू टेल यू कुछ इस किस्म का दिखने होता है क्लब। क्लब ये स्टिक लाइक वेपन, एक लकड़ी का एक शस्त्र होता है गदा की तरह होता है, ये सामने वाला पोर्शन होता है ना जो फ्रंट पार्ट होता है वो थोड़ा थिक होता है। तो बोल रहा है मैं मनी के पास हमेशा एक ऐसे उडेन क्लब रहता था उसके हाथ में, है कि नहीं। तो बोल रहा है मैं क्या करूंगा कि आई शैल वेट विथ माय उडेन माय क्लब, मैं अपना क्लब लेके वहां पर वेट करूंगा। एज सून एज ही अपीयर्स, जब ही वो आएगा ही विल स्प्रॉल इन द डस्ट विद ब्रोकन बोन्स, ही विल स्प्रॉल, स्प्रॉल मतलब हाथ पैर से रेंगना, मतलब मैं उसको जोर से मार दूंगा वो गिर जाएगा और डस्ट में वो रेंगने लगेगा। ब्रोकन बोन्स मतलब टूटे हुए हड्डी लेकर। स्वामीनाथन शडर्ड एट द थॉट, ये सोचते ही स्वामीनाथन चौंक गया। एंड दैट इज नॉट ऑल, और यही सिर्फ यही नहीं, आई एम गोइंग टू गेट दैट पी अंडर माई हील, पी बोल के और एक दोस्त था, बोल रहा मैं पी को भी मेरे पैर के नीचे रखूंगा। एंड प्रेस इन टू द अर्थ, और जो धरती है ग्राउंड अर्थ है जमीन है वहां पर मैं मसल दूंगा।